नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में INS विंध्यागिरि को लॉन्च करी। INS विंध्यागिरि ब्रह्मोस मिसाइल को वर्टिकल लॉन्च करने में सक्षम है। INS विंध्यागिरि का नाम कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा है। ये जहाज नीलगिरी क्लास फ्रिगेट स्टेल्थ वॉरशिप है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार विंध्यागिरि प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का छठा जहाज है। इस युद्धपोत में बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आज से 18 अगस्त तक गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक स्तर पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह का यह पहला शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर होने वाले घोषणा पत्र से पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भविष्य में नए आयाम मिलेंगे। तो वहीं इसमें G20 के स्वास्थ्य मंत्री, WHO के रीजनल डायरेक्टर्स और WHO के 6 रीजनल सेंटर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उड़ीसा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आज निर्मला सीतारमण पेट कटा के समीप केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय श्री सदाशिव कैंपस परिसर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वित्त मंत्री पौधारोपण करेंगे और वहां उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वह भुवेश्वर कुई भाषा में लिखित एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री सोवा विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में 20वें चार्टर्ड अकाउंटेंट सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। G20 के तहत Y20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में आज से 20 अगस्त के बीच आयोजित होगा। Y20 शिखर सम्मेलन युवा मामले विभाग भारत सरकार की पहल पर हो रहा है। इसमें केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 150 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशंका है। शिखर सम्मेलन में उद्योग, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह युद्ध रहित युग की शुरुआत, लोकतंत्र और शासन में युवा स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी।